अविश्वास और वैमनस्य की आग सुलग रही है। क्या इस समय देश में कोई ऐसी आत्मा उठ सकती है जो इस मोह जाल को छिन्न भिन्न कर दे? आज हम यह निवेदन देश की उन आत्माओं से अत्यंत नम्रता और अत्यंत आदर पूर्वक कर रहे हैं जिनके हृदयों में देश की व्यथा है, जो देश की दुरावस्था और वर्तमान अधोगति से दुखी होकर अधीर बैठे हैं इससे निकलने के लिए। यह निश्चय जानिए कि जातिगत दृष्टिकोण से हर चीज की आकृति विकृत दिखाई देती है, इसलिए आवश्यकता इस बात की आन पड़ी है कि आपके इस संकुचित जातिगत विचार के विरुद्ध और घोरतम नाश के भाव जागृत हों। देश को काफी अनुभव हो चुका है उन व्यवहार के ठेकेदारों का जो हिंदू मुस्लिम प्रश्न को व्यवहारवाद की सीमा के अंतर्गत कहकर लेन देन के निपटारे से हल करना चाहते हैं। आज तो हिंदुस्तान को न हिंदुओं की जरूरत है और न मुसलमानों की। आज हिंदुस्तान चाहता है कि उसके अंदर केवल हिंदुस्तानी लोग, वे लोग जो धर्म को अपने निज के और अपने भगवान के दरमियान पवित्र बात समझते हों, केवल ऐसे हिंदुस्तानी लोग उसकी श्रृंखला काटने के लिए आगे बढ़े। लेन देन का लेखा बनाइए, पर याद रखिए यह चिट्ठा उस शैतान की आंत की तरह बढ़ता और बदलता जाएगा जिसका कभी अंत नहीं होगा। देश के पढ़े लिखे लोग इस कलुषित कलह के सम्मोहन पाश में आबद्ध हैं। वे इस समय और कुछ नहीं सुनना चाहते, पर स्मरण रहे कि प्रचारक का काम ऐसा वैसा नहीं है। कांटों का मुकुट और मुंह पर थूके जाने की संभावनाओं को अपने सामने रखकर वे कर्तव्य पथ पर अग्रसर हों। हिंदू और मुसलमान, सिख और पारसी, ईसाई और यहूदी, सब समाजों में कुछ ऐसे नवयुवक और शुद्ध मना व्यक्ति हैं जो देश की वर्तमान सौदा करने की प्रवृत्ति से खींच उठे हैं। वे आगे बढ़ें। जो स्वतंत्रता के उपासक हैं, जो तीन गांठें लगी हुई कोपिन को पहनकर संतुष्ट रह सकते हैं, जो हिंदू और मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तानी हैं, जो इस तरह की नोच खसोट से व्यथित चित्त हो उठे हैं, जो लोक निंदा को सहन कर सकते हैं, जो भारतवर्ष की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं, हमारा यह निवेदन देश की उन्हीं आत्माओं से है। गणेश शंकर विद्यार्थी के निबंध का एक अंश।